यहाँ पे ऊपर जाली दे रखी है ताकि हवा पास हो सके। खट्टू। सो हे गाइस, क्या हाल? आई होप सब बढ़िया, और मैं भी मस्त हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। तो एक बार फिर से निकल पड़ा हूँ मैं कैंपिंग के लिए अपने पहाड़ों की तरफ। तो अभी मैं जा रहा हूँ, जो लोकेशन होगी ना, या फिर मैं इधर जाऊँगा या फिर उस साइड। तो आज फिर से सोलो कैंपिंग होगी भाई। चढ़ाई में बहुत हालत ख़राब जाती है चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। तो ये वीडियो मैं यहीं से जंगलों से, तो अपने पहाड़ों से स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद तो खैर चलो चलते हैं। तो अभी मैं चल ही रहा था और मेरे को क्या देखा कि अपने पहाड़ों के जो लोग होते हैं, खासकर महिलाएं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ओए तो ये देखो, तो देखा देखा आपने कि कैसे होते हैं हमारे पहाड़ों के लोग, पहाड़ों की महिलाएं, बहुत मेहनती। तो अभी क्या होता है कि कोई घास लेने जाता है, कोई बकरी चराने जाता है, फिर वहाँ से देखो घास भी लेके आना है और घर का काम भी करना होता है। तो खैर कोई नहीं, अब हम अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं, ठीक है? और आपको मैं आगे की जो पहाड़ों का एक्सप्लोर कराता रहूँगा आपको, ठीक है? तो क्या होता है कि पहाड़ों में ट्रैक करना इतना रफ एंड टफ होता है ना कि यार खतरनाक सिस्टम हो जाता है, और ऊपर से इतना हैवी वेट, मतलब ये होता है कि पूरी एक्सरसाइज हो जाती है अपनी तो। और एक बात है भाई, मैंने हर वीडियो में बोला हुआ है कि नेचर से जुड़े रहने में जो मज़ा आता है ना, वो शायद ही कहीं आता होगा, मुझे नहीं पता। पर अपने पहाड़ों की, इन पहाड़ों की बात ही कुछ और है, क्यों? सही बोला ना? तो अभी तो खैर काफी ऊपर तक जाना है अकेले में भाई साहब, कैमरा हैंडलिंग करना और वेट उठा के रखना बहुत मुश्किल भरा काम होता है, बहुत ही ज्यादा। तो लोकेशन वाली जगह पे पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम हुआ कि यहाँ पे जगह देखी थी लेकिन वैसी जगह नहीं है। प्लेन ज़मीन है लेकिन कैंप लगाने के लिए भी सही, लेकिन यहाँ पे पत्थर है इसलिए मैं यहाँ पे कैंप नहीं लगा सकता। तो अब मैं दूसरी लोकेशन सोचता हूँ कि कहाँ पे है, तो फिर वहाँ पे चलूँगा। तो खैर अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों चलो आप मेरे साथ दूसरी जगह पे, इस जगह पे तो मिले नहीं, तो आप दूसरी जगह पे चलते हैं, जंगलों वाली जगह पे। यहाँ पे रास्ता बहुत कांटेदार झाड़ियाँ है, और सो गाइस ये देखो मेरे पीछे आपको दिख रहा ना ऊपर, ये बुरांस है जो मैंने तोड़ लिया। ये देखो
इन फूलों को खाते हैं पहाड़ों पे। ये बहुत खट्टे होते हैं यार, पता है इन्हें ना नमक मिर्च के साथ खाने में ना इतना मज़ा आता ना। ऊपर के साइड ना जंगलों में, ये पहाड़ पे, यहाँ पे ये फूल मतलब अभी से लग जाते हैं, और घर की साइड में ये क्या होता है कि ये अपने सीज़न के टाइम में लगता है, ये मार्च मार्च तक में लग जाएंगे। इनसे ना पूरा ये जो पहाड़ है ना पूरा लाल दिखने लग जाता है, और इससे क्या होता है ये इससे जूस भी बनाते हैं, लेकिन जूस इसका ना मीठा होता है। खट्टू। तो अभी मैं यहाँ ना बमोरी के जंगल में आ रखा हूँ, इस गधेरे पे, इतना खतरनाक जंगल है ना। ये देखो, देख रहे हो, है ना खतरनाक। तो कैंप लगाने की जगह यहाँ पे मिली नहीं, मैं तो ऐसे आया था हरे जंगल पे। खैर बुरा सभी काम चला रहा है, पेट भर रहा है, लेकिन भूख लगने लग गई यार। जहाँ पे थोड़ा मतलब जगह मिलेगी ना कैंप लगाने की, तो वहाँ पे अपना खाना बनेगा, फिर बातचीत। ठीक है, तो अभी चलते हैं। एक लोकेशन वाली जगह पे तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, इतनी चढ़ाई चढ़ी ना, अब जाके लोकेशन वाली जगह पे पहुँच गया। तो मैं एक बार ना आपको ना यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, ठीक है? तो अभी देखना यहाँ का व्यू, ठीक है? ये देखो, ये देखो, है ना सही? ये देखो भाई साहब, खतरनाक सीन। देख रहे हो सीन, देखो आप, और ऊपर देखो ही वो पेड़ी है इस साइड। यहाँ से भाई साहब खतरनाक सीन दिख रहा है, बहुत सही, इतना खतरनाक कि बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं कैंप लगाता हूँ, और भूख लगने लग गई, और खाना बनाता हूँ। और पीछे का सीन है नहीं सही, एकदम खतरनाक। तो यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे कैंप लगाता हूँ, और आगे बातचीत। यार पीछे का सीन ना एकदम जहर दिख रहा है, नहीं सही बातचीत हो रही है यहाँ पे, खतरनाक सीन। तो कैंप लग गया है, अब सबसे पहले इन सामानों को अंदर डालता हूँ, और फिर खाना बनाते हैं, ठीक है? ये देखो अंदर से थोड़ा कैंप का सीन, यहाँ पे ऊपर जाली दे रखी है ताकि हवा पास हो सके, और अभी थोड़ा रेस्ट। खतरनाक। तो ये नया सेटअप है मेरा कैंप का, और कैमरे का, कैमरा भी नया लिया है। तो बताना आप मेरे को कि कैसा लगा आपको कैंप और कैमरे की क्वालिटी, ठीक है? बताना ज़रूर कमेंट पे। तो खैर अब भूखने लग गई, और अब बनाते हैं खाना। तो गाइस ये खुला मेरा टिफ़िन, ये तेल, ये प्याज, ये टमाटर, और इसे करते हैं हम, इसे निकालेंगे हम बाहर, इसमें काटेंगे हम प्याज, ठीक है?
अपने का खाना एकदम बेहतरीन तरीके से। और ये गया हमने, ये पहले ये गया इसके अंदर और तैयार अपना चूल्हा तैयार। जल गया, थोड़ा हवा चल रही है ना यहाँ पे, तो इस वजह से फ्लेम थोड़ा ऐसे इधर उधर डोल रही है। तो ये गैस में तेल, मैंने अंडे ला रखे थे, पहले अंडे की भुजिया बनाते हैं। ये पन्नी जो बच रही है ना, इसमें जितना भी ये कूड़ा कचरा होगा ना, ये सब इसमें पड़ेगा। फिर से पड़ेगा इसमें तेल, अंडा बन गया है। और सबसे पहले तेल को गर्म होने दो। तो ये देखो, अब पड़ेंगे इसमें मटर। टमाटर ये पट मारेंगे हम इसमें ढक्कन, बस थोड़ा वेट। तो ये देखो भक्का, और मैंने इसमें अंडा भी मिला दिया था बीच में ही, मस्त दिख रहा है यार, दिख तो मस्त रहा है, लेकिन देखो खाने में कैसा टेस्ट आता है। और बाद में खाऊंगा। तो पहाड़ों पे ना सबसे पहले जो खाना होता है ना वो पूछते हैं, तो जय हो। तो ये मैंने पूछ दिया, अब मैं खा सकता हूँ। मैगी पहाड़ों पे, और पहाड़ों पे मैगी खाने की बात अलग है। और वैसे यहाँ कितने मस्त नज़ारे हैं, अब मैगी खाने में और मजा। मजा आ रहा है। तो अभी मैं ना इसे खाता हूँ, तो खाना खाने के बाद मिलता हूँ, ठीक है। तो मैगी खा ली, और यहाँ पे हवा चल रही है बहुत भयंकर, जिससे ठंड सी लग रही है। तो कैंप अभी लगा पड़ा है, और कैंप को मैं हटा देता हूँ, और इसके बाद चलते हैं। सामान उन्होंने पैक कर दिया है, और निकलता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। और ये मेरा सामान, हाँ अरे नीचे आ जा, ये देखो ये। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को एंड कर दें यहीं पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और कमेंट द्वारा बताना कि इस बार वीडियो की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू।
ऊपर से वापस आवाज आ रही है। सो गाइस घर पहुंच गया मैं, इतनी स्पीड काटी ना मैंने भाई साहब, बहुत भयंकर। तो खैर चलो, जो ना था हो गया, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो मेरा टाटा, बाय बाय, टेक केयर।